पाता है कि कितना महत्व है हमारी संस्कृति में, हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे वैदिक और सनातन संस्कृति में। तो ये पुगनूर गाय घर में रखना आसान है। ये कपल है, गाय के साथ नंदी जी भी हैं। अच्छा, कपल गाय, कपल है ये दोनों। जी हाँ, तो नंदी जी भी हैं और गौ माता भी हैं, दोनों साथ साथ। नमस्कार, न्यूज़ पुणे एशियन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर देखी होगी, जिस तस्वीर में आपने बहुत ही छोटे और प्यारे गाय को उनके साथ देखा होगा और आप उसके बाद सोचते होंगे कि आखिरकार ये गाय की नस्ल कहाँ आती है। तो आपको बता दें कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में ऐसे गाय मिलते हैं, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अब ये छोटी और प्यारी गाय हमारे राजधानी पटना में भी मौजूद है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर कि कितनी खूबसूरत ये गाय जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। और आपको बता दें कि ये जो गाय है वो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही जो इनकी नस्लें हैं वो पाई जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रकाश चंद्रा हैं, इनके इन्हीं के घर में ये दोनों गाय का आगमन हुआ है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि आज की जनरेशन में सर क्या है, लोग गाय पाल रहे हैं और आपने पुगनूर गाय पहली बार, मुझे ये पुगनूर गाय है, बिहार में पहले सबसे पहले आया है ये, और मुझे खुशी हो रही है कि हमारे घर में है गौ माता की सेवा। चूँकि हम लोग जब घर का गृह प्रवेश भी करते हैं तो सबसे पहले हम गाय के बच्चे को ही, गाय को ही अंदर घर में प्रवेश कराते हैं, इतना शुभ मानते हैं हम। और जब हमारे वृद्ध मरणासन होते हैं तो हम उनको गाय का पूछ पकड़ा करके उनको बैतरणी पास पार कराते हैं कि ताकि उनको स्वर्ग में स्थान मिले। मतलब गौ माता का कितना महत्व है हमारी संस्कृति में, हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे वैदिक और सनातन संस्कृति में। तो ये पुगनूर गाय घर में रखना आसान है, अगर आपका घर छोटा भी है और कम अनाज, कम भोजन के साथ आप इनका संरक्षण कर सकते हैं, सामग्री के साथ आप इनको रख सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है, मतलब आपके घर में कब आया और आपको कैसा अनुभव कैसा हो रहा है? ये 10 दिन पहले हमारे पास आया है और बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का जब मैंने फोटो देखा उसी समय मेरे अंदर जिज्ञासा आई कि इस दुर्लभ गाय को अपने घर में लाया जाए। और हम लोग पहले से ही गौशाला रख रहे हैं, दाऊदनगर जहाँ मेरा घर है औरंगाबाद ज़िले में, तो वहाँ मेरे पास गौशाला है, ढेर सारी वहाँ पर गायें हैं और हम लोग गौ सेवा करते आ रहे हैं। और हमको लगता है कि हर भारतीय, चाहे वो किसी धर्म का हो, गौ में रुचि रखता है, क्योंकि इनका गोमूत्र से लेकर के गोबर और सब कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लाभदायक है। तो ये गाय हमारे घर की हिस्सा, परिवार की हिस्सा है, हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, लक्ष्मी का आगमन हुआ है। तो देखिए ये इनका साइज आप देख सकते हैं, ये मैक्सिमम साइज है इन गायों का। और आपको बता दें कि इन गायों के दूधों का भी काफी फायदा है, कई सारे। ये कपल है, गाय के साथ नंदी जी भी हैं। अच्छा, कपल गाय, कपल है ये दोनों। जी हाँ, तो नंदी जी भी हैं और गौ माता भी हैं, दोनों साथ साथ हैं। अच्छा, आपको क्या फायदा लग रहा है, क्योंकि आप तो गौशाला भी चलाते हैं, क्या लग रहा है जो आपने वो गाय रखी है और इनमें कुछ फर्क लग रहा है? गौशाला में भी मेरे पास वहाँ 6 गायें हैं, वो भी मैंने शौक से रखा है, दूध बेचने के लिए नहीं, शौक से रखा है मैं गायों को। गाय हमको अच्छा लगता है, पेट रखना अच्छा लगता है, इसलिए गाय को। जी नहीं, गाय मतलब उनके साइज को देखते हुए क्या इनको रखने में ज्यादा सुविधा हो रही है, उनको रखने में ज्यादा? बहुत अच्छा लग रहा है, ज्यादा सुविधा हो रही है, गोबर कम बाहर निकलेगा तो गंदा भी कम होगा और खाना भी ज्यादा देना नहीं है, और देखने में छोटा है, बच्चे भी खुश हो रहे हैं देख करके, मोहल्ले वाले भी खुश हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इससे पहले बिहार में ये गाय नहीं, बिहार में कहीं नहीं आया, ये गाय पहली बार मेरे पास आया। तो चलिए मैडम भी हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है। महिलाओं में तो पहले से ही मातृत्व भाव रहता है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मतलब कैसे अपने घर में इसको साथ में रखती हैं? हाँ, घर में बेड पे? हाँ, नहीं बेड पे तो नहीं, बट साथ में रखेंगे, साथ में घर में रखेंगे। कैसा लग रहा है, मतलब नॉर्मल गाय भी आप लोग रख रहे हैं? वो तो है, बट अच्छा लगा, इसका साइज भी बहुत छोटा है, सुविधा हो रही है रखने में, और बाकी ज्यादा परेशान तो नहीं करती है? नहीं। सिंग विंग? अच्छा, इनका सिंग भी बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा है। नहीं, इसका सिंग नहीं है, सिंग नहीं होता है। सिंग नहीं होता है? ना ना, सिंग नहीं होता है, सिंग इसका निकलने नहीं, इसके लिए वैसा किया जाता है कि सिंग बाहर ना आए। कितना लीटर दूध देती है ये? देगी जब ये डिलीवरी इसका हो जाएगा तो उसके बाद 2 से 3 लीटर दूध देगी।
दूध मायने नहीं रखता है, इसके दूध का क्वालिटी मायने रखता है। इसका दूध अमृत के समान है, बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, क्रोनिक डिजीज से बचाएगा, ये कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। इसका दूध इतना अच्छा है। गिर गाय का दूध भी A2 होता है, लेकिन इसमें A2 का मात्रा और भी ज़्यादा है, इसलिए अच्छा है। तो देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो आंध्र प्रदेश से इनकी नस्ल मिलती है और कितने क्यूट हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी साइज बस इतनी ही, आपको घर में रखने में भी काफ़ी सुविधा होगी क्योंकि इन्हें रखने के लिए ना ज़्यादा जगह की ज़रूरत है ना ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए, हमने आपको दिखाया किस तरीके से बिहार में पहली बार पुनूर गाय को रखा गया है। और देखिए, अगर बात कर ले इन गायों की खासियत की, तो आपको बता दें कि इनके दूध में इतना प्रोटीन होता है कि आप की कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।